नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएल न्यूज में और कोरोना अपडेट के साथ मैं हूं निशा कश्यप। देश में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,740 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 248 मौत देश में महामारी के चलते हुई। ये संख्या पिछले 206 दिन में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 23,070 लोग महामारी को हराकर ठीक भी हुए, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या देश में 3,32,48,291 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घटकर 236,643 हो गए हैं। भारत में अब तक 93,99,15,323 लोग का कोरोना वैक्सीनेशन किया जा चुका है। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के कुल 3,39,35,309 मामले हैं। फिलहाल सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम है। ये आंकड़े मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। रिकवरी दर वर्तमान में 97.98% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.62% है, जो पिछले 106 दिनों में 3% से कम बनी हुई है। संक्रमण की दैनिक दर 1.56% दर्ज की गई, जो कि पिछले 40 दिनों में 3% कम है। भारत में अब तक कुल 58.13 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। अब फिक्र कोरोना संक्रमण की, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने आज 3 महीने अलर्ट रहने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज देशवासियों को 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अलर्ट पर रहने की अपील की गई है। इन 3 महीनों में लोगों से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के लिए कहा गया है। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा गया है। लेकिन इन 3 महीनों में आखिर ऐसा क्या है जो संक्रमण बढ़ाने का इतना डर बना हुआ है? दरअसल इसकी वजह है इन 3 महीनों में एक के बाद एक त्योहार का आना। फेस्टिव सीजन का आगाज नवरात्रि के शुरुआत से हो चुका है। ऐसे ही कोरोना अपडेट और कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहें एचसीएल न्यूज़। धन्यवाद।